प्यारे दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के शासक वर्ग से, गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में विभिन्न चैनल्स हैं टीवी के, उन सबों को पाबंदी लगा दिया जाए कि वो डिबेट बंद करें। क्योंकि डिबेट इसीलिए करते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, बहुत लोग देखते हैं, और लड़ने झगड़ने वाले लोगों को देख के उन लोगों में भी वो जहर आता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि उनका पर्सनल ओपिनियन है, अगर सचमुच सत्य हो तो वहाँ डिबेट के लिए कोई चांस ही नहीं है। जैसे मैं एक योगी हूँ, योगी का मतलब होता है मानवता कल्याण के लिए जिसने ज्ञान अर्जन किया हो और विश्व शांति के लिए दिन रात प्रयत्न करता हो, सारे मानव जाति से प्रेम करता हो, जीव जंतु पशु पक्षियों से प्यार करता हो और दिन रात पृथ्वी पर शांति स्थापना के लिए काम करता हो। ओम शांति, लेट द पीस प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ये टीवी चैनल में क्या होता है, अधगर गगरी छलकत जान, आधे अधूरे ज्ञान वाले, या ऐसे विश्वधर नाग सांप जिसमें विचारों की इतनी बदबू हो, जहाँ की केवल नफरत नाराजगी हो, जहाँ केवल काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष इतना जहर की तरह फैला हो कि वो तो पूरे दुनिया को जलाने की बात करते हैं, उन लोगों को बुला लेते और संग्राम शुरू हो जाता। मुझे तो इतनी दुख होती है कि इन लोगों को बुला के ये लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, और फिर कभी कोई कुछ बोल दिया तो ऐसे वर्ग है जो कि उसको पूरे इंटरनेशनल बना देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं, और सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अरे सरकार को समय चाहिए विकास के लिए बारे में सोचना, शांति व्यवस्था बना के भारत के नागरिक हों, विश्व के नागरिक हों, अपने अपने काम में समय लगाए। विकास तभी होगा जब लोग काम करेंगे, और काम तभी होगा जब साइंटिफिक वे में हम सोचेंगे। जो हमारा सोच है उस तरह से हमारा समाज बनता है। अगर हम ऐसे विश्वधर नाग की तरह सोचें कि हम सबसे ज्ञानी हैं, हम जो सोचते हैं वही सच है, तो सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है। सच तो है जो सच है, तुम सोचते हो सच कैसे होगा, तुम तो सही सोचते ही नहीं, तुम सोचते हो कुछ और सच है कुछ और। तो सच बोलने वाले को बुलाओ टीवी में, क्योंकि लोग सही ढंग से सोचेंगे, समझेंगे, उनकी बातों से सबों का मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।